जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप डॉग पालते हैं तो डॉग में एक कॉमन प्रॉब्लम यह है टिक्स आ जाना, जुई का आ जाना, तो उसको दूर करने का आसान तरीका क्या है। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें सबसे जो आसान तरीका है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये 7 मंथ की सर्वियन हस्की है। मेरे पास जितने 10 डॉग हैं अभी सब में मैं यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ब्लू, ये सर्बियन हस्की है, ब्लू आइज, लगभग 7 मंथ की है और इससे भी टिक्स है। ये मौसम जब चेंज होता है, गर्मी की शुरुआत तो हो ही जाता है। चलिए अभी डाल के हम लोग दिखाएंगे कि कैसे यूज करना है। हर 3 से 4 अंगुल के गैप में हमें 1 या 2 बूंद डालना होता है। उसके बाद टिक्स अगले 24 घंटे में हमें इसमें एक भी नहीं दिखेंगे। और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसको यूज करना बहुत ही कष्टदायक होता है, इनको लहलाना होता है। और इसकी खासियत ये है कि एक एक बूंद हर थोड़ी दूर पे हम इसे डाल देंगे और 24 घंटा बाद जब हम देखेंगे तो इन पे हमें एक भी टिक्स नहीं दिखेंगे। बेल्जियम शेफर्ड लॉन्ग कोड में है और ये खास इसलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में सिंगल मेल है। रुको रुको बोल रहा हूँ। गोल्डन रिट्रीवर, ये भी 7 मंथ की है, इसकी में भी टिक्स है। अब इसमें ना भी हो तो अगर हम यूज कर रहे हैं तो घर के सारे डॉग को लगाना अनिवार्य है, नहीं तो एक से टिक्स निकल के दूसरे के ऊपर हावी हो जाएंगे। डाबर मैन 1 साल की है, ये इसको धूल में लौटना बहुत पसंद है। इसकी इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, जस्ट अभी इसको लादने के दौरान ही धूल में लेट चुकी है। डाबर मैन एक फायदा यह है कि इसके टेल लंबे, तो लंबा दूर नहीं लगाना पड़ेगा। डेढ़ साल की डोरा है और अभी कल ही इसने 5 पप्पी को जन्म दिया है। और अभी स्टार्ट, ये सर्बियन हस्की है, 3 साल हो रहे हैं इसके। और देखिए, जैसे लोग बोलते हैं कि
ये सिर्फ ठंडे प्रदेश में रह सकता है। ये हालांकि अभी शेडिंग कर रहा है यानी गर्मी के लिए बाल ये झाड़ रहा है, फिर भी देखिए इसके क्वालिटी देखिए कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। जसपुर में बहुत ही अच्छे ढंग से ये अपने आप को ढाल चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म स्थान में इन्हें प्रॉब्लम है। यहाँ विदाउट कूलर एसी ये हस्की बहुत अच्छे से रह रहा है। रुक जा। मैन है 8 मंथ का और ये जसपुर जिला का पहला यूरोपियन डाबर मैन है। बेल्जियम शेफर्ड लॉन्ग कोट फीमेल है, ये भी छत्तीसगढ़ में सिंगल पीस ही है। ये बहुत ज्यादा शर्मीली है। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ नहीं हो रहा है। ये 2.5 साल का बकरा है और इसमें भी हम यूज करेंगे ये फॉर्म, क्योंकि घर में किसी भी जानवर और एक खासियत में बता दूं, इस बकरे का दोस्ताना इस हंस के साथ है। देख लीजिए किस तरह से एक बार घुमाएंगे आलोक इसको, देखिएगा बकरा के पीछे हंस किस तरह पीछे पीछे जाएगा। वो ये हंस की फीमेल खत्म हो गई है और ये उसको अपने जोड़ी मानता है। देखिए किस तरह से पीछे पीछे इसके, हाँ बांध दो, एक राउंड और घुमाऊंगा, जाते जाते पीछे पीछे जाएगा, जा लेके जाएंगे पीछे पीछे।